So what is that? Is to send some currencies to the other world. Wow, दोस्तों पैसा भेजना हो ना आप अपने अपने जो पितरों को तो यहाँ पे हवन टाइप का किया जाता है. So Lulu, सबसे बड़े दो चाइना के फेस्टिवल कौन कौन से हैं? बोट की रेसिंग भी होती है. वो आवाज आती ड्रम लगा के डम डम डम. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन. मैं हूं लुलू. आज देखो मौसम बड़ा ही बेईमान हो रखा है. लुलू ने गाना सुन रखा है. और वेदर बहुत ही प्यारा दोस्तों. ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं, मंद मंद बारिश हो रही है. और मैं जहां चल रहा हूं यह है चांगशान काउंटी, जो कि चाइना के जजियांग राज्य में है. फिलहाल छुट्टियां चल रही है मून केक फेस्टिवल की, जो कि यहां पे लगभग 4-5 दिन की छुट्टियां होती है. उसी में हम लोग घूम रहे हैं. और ये मेरे पीछे जो आपको ये पॉन्ड टाइप का दिखाई पड़ रहा है, एक छोटा सा झील है जिसे चाइनीज भाषा में बोलते हैं हू. सो और इसके बगल में ये पूरा इन्होंने ना काफ़ी पेडिस्ट्रियन पाथ बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है. थोड़ा सामने का भी नज़ारा दिखाता हूँ. ऐसा दिखाई पड़ता है, देखो इधर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी इन्होंने दे रखी हैं. देखो इधर नॉर्मल शहर है, जो इनका टाउन है वो है. इस तरफ से पूरा ये कुछ रिजॉर्ट्स होटल वगैरह बने हुए हैं. यहाँ पूरा पोंड है और सामने की तरफ वो जो पहाड़ी है उसके ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है. तो आज के वीडियो में बताते हैं चाइना के अंदर कितने फेस्टिवल होते हैं, वार त्यौहार होते हैं, ये सारी चीज़ें. तो लुलू सबसे पहले चाइना के दो सबसे बड़े फेस्टिवल बताओ. द फर्स्ट वन मस्ट बी स्प्रिंग फेस्टिवल. Although okay. we only have like 7 days a holiday, however the spring festival vibes will remain entire months. Okay, so ek month pura ekdam aisa chakachak rangin mahol rehta hai. Yes. And then the next one is mid autumn festival. Jo ki dosto abhi chal raha hai, ise bolte hain moon cake festival bhi bolte hain. Aur ye inka mid autumn ke andar aata hai. India ke do sabse bade festivals mein aata hai, ek aata hai Diwali, dusra aata hai Holi. Oh, Holi. Diwali hota hai November mein aur Holi hota hai March mein. I think I saw one video about the Holi festival. Yes, Holi. It's like colors. Color. Yeah. It was like so fun. Yes, all very the beautiful joyful. Colors and all the delicious food. Yeah. And the next one is just like it's same as spring festival. Uh-huh. All the family gathering. Aww. और सब लोग एक घर में बैठ के एक साथ खाना खाते हैं. तो अब ये बताए जनवरी में आपके कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं? We have New Year festival. New Year festival. हमारे इंडिया में जनवरी में आता है मोस्टली एक मकर संक्रांति बोलते हैं, जिसे काइट फेस्टिवल बोलते हैं. Yeah. Kite, so, do you guys do kite fighting? Yes, we do kite fighting and so bambara. Do you know how to kite fight? Yes, we know, but our kite are little, you know, smaller than the Chinese. दोस्तों मैंने ना एक चाइना का पतंग महोत्सव का वीडियो बना के दिखाया था, वो भी लुलू के साथ ही था. तो आप वो जरूर देख लेना अगर आपको यहाँ की पतंगबाजी देखनी है. और इंडिया का लुलू को बताता हूँ पतंग कैसे उड़ाते. इन इंडिया वी हैव स्मॉल काइट एंड जस्ट फ्लाई फ्रॉम हियर एंड समवन ऑन अनदर रूफ वी जस्ट फाइट. Try to cut their when strings. Cut the other people's kite, and then we say bambara. Bambara. That is the symbol. Oh, I have cut your. So Lulu, next course, कौन सा festival आपका बड़े जोरदार है? Tomb sweeping festival. Tomb sweeping. दोस्तों हमारा जो श्राद्ध होता है ना, ठीक वैसा ही श्राद्ध है इनका. पूछते कैसा बनता है श्राद्ध इनका. So what you do in that? First, pay the tribute to our ancestors. कैसे tribute करते हो? मैंने देखा है South China में people used to burn something. Yes. So what is that? Is to send some currencies to the other world. Wow, दोस्तों पैसा भेजना हो ना आप अपने ancestor को, पुराने जो पितरों को, तो यहाँ पे हवन type का किया जाता है. So it's really nice. They are, you are directly giving money. Yeah? We used to give the food, offer food and put it on the rooftop and just like waiting for the crow. कौवे का इंतजार करते हैं हम लोग कि जैसे कौवा आएगा और उस खाने को खाएगा तो हम सोचते हैं कि yes, it have accepted. Oh, that's sweet. That is really, really sweet. Yes, just like our thinking, our in our culture is just like this. And we offer food and do praying that that time. It's just like depend on which day. Of our moon lunar calendar, according in Indian calendar, which day our ancestor die, accordingly we pray the same day. So in China, how you do? First, we do have food placed around the tomb. We came go to tomb. Yes, we go to the tomb. We do it at home. दोस्तों ये ना जो पुराने so now right now you are burning the body in China. But where is the tomb? Like, is there a special tomb? You can select. Sometimes you go to the cemetery. And sometimes there will be stashes of ashes.
Okay. Mm. So there is a common for everyone. Yes, there can be common places for everyone. Also, you can also purchase private ones. Okay. देखो यहाँ पे सिक्योरिटी का भी काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया, कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, आपको अच्छी सी सुरक्षा मिलती है, लोग यहाँ बैठ करके भी अच्छा सा टाइम बिता रहे हैं, छोटे बच्चे भी इधर घूमने को आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है। उसके बाद कौन सा छुट्टी होता है? इंटरनेशनल वर्कर्स डे। वर्कर्स डे कितने दिन की छुट्टी होती है? हाउ मेनी डेज? 5 days. 5 days. तो उसमें सब लोग घूमने को जाते हैं फॉर ट्रेवल एंड गोइंग टू होम ऑल्सो। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, चाइना के अंदर जो इनके फेस्टिवल आते हैं ना, जो फैमिली रीयूनियन होता है स्पेशली टू फेस्टिवल में, स्प्रिंग फेस्टिवल और जो इनका मिड ऑटम फेस्टिवल आता है, इसके अंदर ये बहुत प्यारा है। इन इंडिया वी शुड ऑल्सो अप्लाई द सेम थिंग, लाइक इंडिया में दो फेस्टिवल होते हैं इन, बट उनमें है ना सिर्फ लंबी छुट्टी नहीं देते हैं। एवरीवन वांट टू गो होम बट देर आर नॉट लाइक स्पेशल हॉलीडेज एज लाइक चाइना, से होल चाइना इज क्लोज्ड इन द स्पेशल डेज। सो इंडिया में भी भाई ऐसा होना चाहिए, होली और दिवाली जैसे बड़े त्यौहार जब भी आए ना, तो पूरे इंडिया में हर आदमी को घर जाने की छुट्टी देनी चाहिए। मैंने पिछली बार एक गोइचो के गांव में गया था अपने दोस्त के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल पे, तो वहाँ मैंने देखा कि जो स्प्रिंग फेस्टिवल का नेक्स्ट डे होता है जिस दिन हम लोगों के घर जाते हैं, उस दिन टोल टैक्स फ्री था रोड के ऊपर, दोस्तों टोल टैक्स लग ही नहीं रहा था। सो इज इट एवरीवेयर इन चाइना? यस, एवरीवेयर इन चाइना। वाह दोस्तों कितना, देखो ये अच्छी चीज़ है, ये हमारे देश में भी लागू हो जानी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ? जैसे दिवाली और होली के जो अगला दिन होता है जिसमें लोगों के घर हम जाते हैं, तो उस दिन छुट्टी पूरा टोल टैक्स फ्री, पूरे कहीं भी जाओ आप है ना, आराम से लोगों के घर जाओ, परिवार के साथ रीयूनियन करो, काफी अच्छा, इससे यूनिक थिंग। सो नेक्स्ट क्या और कौन सा फेस्टिवल है? ड्रैगन बॉल फेस्टिवल। उसमें क्या क्या करते हो? चाइनीज राइस पुडिंग। राइस जो मून जो राइस केक होता है ट्रायंगल शेप का, वो खाते हो? ट्रायंगल। यस यस यस। और उसमें राइस जो बोट की रेसिंग भी होती है, वो आवाज आती ड्रम लगा के डम डम डम। यस यस यस। जब वंडरिक मैनिक वाले विष्णु साहू मेरे पास आए थे गांव में घूमने को, तो मानो उनको वो ड्रैगन बॉल फेस्टिवल का वीडियो भी दिखाया था, उनको ले जा करके गांव में दिखाया कि कैसे एक्टिविटी होती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बोट्स की रेसिंग होती है और उसके ऊपर पूरे गांव वाले, एक दो गाँव का आ गया तो फिर गाँव ए गाँव बी वाली रेस करेंगे कौन जीतता उसमें, और फिर प्राइज भी मिलता है उनको, काफ़ी यूनिक होता है। और उसके बाद क्या आया था? उसके बाद मिड ऑटम। यस व्हिच इज नाउ। यस मिड ऑटम के अंदर मून केक खाते हैं, मून शेप में केक होता है दोस्तों, उसको खाते हैं, काफ़ी अच्छा, ये भी बढ़िया है, और इसमें घर जाते हैं फैमिली रियूनियन के लिए स्पेशली। राइट तो ये क्या चीज़ आ गई है? इट्स टू मॉनिटर द लेक वाटर लेवल। रियली? सो इस पे देखो दोस्तों क्या चीज़ लगी है वो दिखा देता हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ कुछ ना यहाँ सोलर प्लेट्स लगी हुई है, उधर सामने की तरफ राडार टाइप का कुछ लगा हुआ है, वो यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है भाई ये वाटर लेवल कितना ऊपर आ रखा है, कितना सेफ्टी सिक्योरिटी में और कौन सा डेंजर जोन है। और उसके बाद में कौन सा आता है? National holiday. कितने दिन का? 7 days. Wow, you are the full of holidays and accumulative holidays. फिर उसमें आप 7 days में going for travel special. This is basically designed for special travel. Yes. काफी अच्छा है यार, कितनी अच्छी छुट्टियाँ आती है, ग्रुप में आती है, सब लोग घूमने जाते हैं, घर परिवार से मिलते हैं। In India we have national day but there is no 7 days holiday. How many days? It's only 1 day. In that also so many people go for work to the school for flag hosting ceremony or something like that. So 15 अगस्त 26 जनवरी का जो सीन होता है ना चाइना में, वैसे इनका जो नेशनल डे भाई एक वीक की छुट्टियाँ, सब लोग घूमने जाते हैं, पूरा चाइना में इतनी भीड़ होती है भाई पूछो नहीं, हर जगह लोग ही लोग। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अब बताओ भाई लुलु को वीडियो कैसा लगा, यहाँ के फेस्टिवल कैसे लगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई तहे दिल से धन्यवाद। और अगर नहीं कर रखा है, वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती है तो भाई कर दीजिए, और कोई कमी नज़र आती है तो भाई छोटा भाई समझ करके कोई कमेंट डाल दीजिए, तो मैं उसको पढ़ करके अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करूँगा। मिलते भाई अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते, बाय बाय।